गुड मॉर्निंग माई डियर स्टूडेंट, टूडे आई विल टीच मैथ सब्जेक्ट. फर्स्ट चैप्टर इज नंबर्स अप टू 200. इसके अंदर हमें 200 के अंदर अंदर की जो भी एक्टिविटी है वो हमें कंप्लीट करनी है. ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट इज राइट द नंबर्स फ्रॉम 99 to 81 काउंटिंग बैकवर्ड. काउंटिंग बैकवर्ड, बैकवर्ड इट मीन्स यू नो बैकवर्ड काउंटिंग. आपने प्रीवियस क्लास में सीखा होगा बैकवर्ड काउंटिंग, जस्ट लाइक 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. इट इज़ क्लियर? ओके, वैसे ही हमें 99 से लेकर 81 की काउंटिंग हमें बैकवर्ड में लिखनी है. सो लेट्स स्टार्ट. देखो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे. ये जो ट्रेन है, ट्रेन का बैक, ट्रेन की यहाँ से स्टार्ट कर, सॉरी यहाँ से करते हैं. ओके, 99 to 81, तो हमने पहले लिखा 99. विच वन बिफोर 99 से पहले कौन सा आएगा? 98. विच वन बिफोर? 97. विच वन? 96. 95. 94. 93. 92. 91. And which one before? 90. And next 89. 88. 87. 86. 85. 84. 83. 82 एंड लास्ट 81. इट इज़ कम्प्लीट. ओके, ये इस तरीके से आपको बैकवर्ड काउंटिंग इसमें लिखनी है. नाउ नेक्स्ट इज सेकेंड एक्सरसाइज, राइट द ग्रेटर नंबर इन द बिग फ्लावर. ग्रेटर नंबर, ग्रेटर नंबर इट मीन्स जो जो बड़ा नंबर है उसको हम क्या करेंगे? बिग फ्लावर के अंदर लिखेंगे. एंड राइट द स्मॉलर नंबर इन द स्मॉल फ्लावर. स्मॉलर नंबर जो है वो हमें स्मॉल फ्लावर में लिखना है. अब पहले तो हम देख लेते हैं बिगर फ्लावर एंड स्मॉल फ्लावर. देखो बेटा, ये वाला जो है फ्लावर बिग है, ये स्मॉल है. स्मॉल बिग, बिग स्मॉल. ओके, नाउ एक्सरसाइज ए 49 and 30. विच वन बिगर? 30 इज नॉट बिगर, इट इज स्मॉल. तो स्मॉल नंबर किस में आएगा? स्मॉल फ्लावर में. और बिगर नंबर इज बिग फ्लावर, सो 49 इज बिगर. ओके, ऐसे ही हमें सेकंड एक्सरसाइज सेकंड करना है. देखो 99 एंड दूसरा नंबर क्या है? 35. तो 99 इज अ 35 से बड़ा है ना, तो 99 बिगर है, तो इसको हम बिगर वाले फ्लावर में लिखेंगे 99. और 35 इज अ स्मॉलर, सो इसको हम स्मॉल फ्लावर के अंदर लिखेंगे. अब सी है 56 77. अब विच वन बिगर? यस, 77 इज अ बिगर. तो बिगर वाला नंबर हमें बिगर फ्लावर के अंदर लिखना है, और स्मॉलर वाला जो नंबर है 56 वो हमें स्मॉल फ्लावर के अंदर लिखना है. इट इज़ क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.1. ठीक है, मैच द नंबर नेम्स. मैच करने हैं नंबर नेम्स टू देयर नंबर्स. नंबर से हमें मैच करने हैं. देखो ये है नंबर्स नेम, ओके, और ये है हमारे नंबर्स. अब हमें इनको मैच करना है. लेट्स स्टार्ट. ई आई जी एस टी वाई 80 SIX 6, यानी कि 86. विच वन 86? 43 30 86. यस, तो हमें इसको मैच किया. नाउ नेक्स्ट इज NINETY 90 FOUR 4. 94. देखो 43 13 86 तो हो गया, 94 यानी कि इट इज मैचड. FORTY 40 THREE 3 यानी कि 43.
43 सबसे ऊपर ही है, तो हमने इसको यहाँ पे मैच किया। अब THIRTEEN 30, लास्ट कौन सा नंबर बचा, 13, तो हमने इसको 13 से मैच किया। ओके, नाउ नेक्स्ट इज 61। अब देखो इधर तो हमने नंबर्स को नेम से नंबर्स नेम को नंबर्स से मैच किया, अब हमें नंबर को नंबर्स नेम से मैच करना है। 61, अब हमें इसको पढ़ना पड़ेगा पहले, FIFTY 50 SEVEN 7, नहीं ये वाला नहीं है, 61 ढूंढना है ना हमें, SEVENTY 70 SEVEN 7 ये भी नहीं है, THIRTY 30 FOUR 4 ये भी नहीं है, 34 है ये, SIXTY 60 ONE 1 यस 61 ये वाला नंबर है। नाउ नेक्स्ट इज 57, FIFTY 50 SEVEN 7 यस यही हमारा 57 है, तो हमने इसको मैच किया। 77, अब 77 इसके नीचे वाला देखते हैं, SEVENTY 70 SEVEN 7 यस ये हमने इसको मैच कर दिया 77 को 77 से। अब लास्ट बचा 34, इसमें से भी लास्ट यही बचा, THIRTY 30 FOUR 4 कंप्लीट। नेक्स्ट राइट द नंबर्स दैट कम बिफोर एंड आफ्टर, अब हमें नंबर्स लिखने हैं, बिफोर यानी कि प्रीवियस नंबर और आफ्टर यानी उस बाद वाला नंबर। ओके तो स्टार्ट करते हैं, ए इसमें देखो सेंटर में लिखा है 28, तो हमें पहले 28 विच वन बिफोर 28 27, तो देखो 27 28 लास्ट इज 20 यस 29। नेक्स्ट देखो बीच में सेंटर में लिखा है 77, 77 से बिफोर नंबर इज 77 विच वन यस 76, अब देखो 76 77 नेक्स्ट इज 78, इसी तरीके से हमें सी वाला करना है 82, विच वन बिफोर 82 यस 81, 81 82 लास्ट इज 83 यस डी 91, विच वन 91, देखो हमने ये जो डिजिट लिखी थी 91, बिफोर 91 क्या आया था 90 यस, तो 91 से बिफोर क्या हो गया 90, अब देखो 90 91 नेक्स्ट इज 92 ये हो गया इसका आफ्टर नंबर। 70 विच वन बिफोर 70, 70 से पहले कौन सी आती है नंबर्स लाइन 61 वाली, उसमें सबसे लास्ट में क्या होता है यस 70 बिफोर, देखो 61 वाली लाइन में 70 आता है, तो 70 की 61 वाली लाइन में 70 से बिफोर 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70, यानी कि पहले क्या आया 69 69 70 आफ्टर नंबर इज 71। ओके नाउ नेक्स्ट इज 53, ये कौन सी नंबर डिजिट में आता है 51 वाली लाइन में 51 52 53, तो बिफोर नंबर इज 52 53 एंड लास्ट आफ्टर नंबर क्या हो गया 53 का 54। ओके तो आज हमने क्या क्या देखा, एक तो आपको ये बैकवर्ड काउंटिंग बुक के अंदर फिल करनी है, उसके बाद में ये बिग फ्लावर और स्मॉल फ्लावर के अंदर नंबर्स लिखना है, जो बिग होगा वो बिग में स्मॉल होगा वो बिग स्मॉल फ्लावर में लिखना है, उसके बाद में एक्सरसाइज 1.1 करनी है, उसमें आपको नंबर्स नेम को नंबर से मैच करना है और इधर नंबर को नंबर्स नेम से मैच करना है और आफ्टर दैट बिफोर एंड आफ्टर नंबर फिल करने हैं। ओके ये आपको बुक के अंदर ही करना है। थैंक यू।